AIMPLB ने लखनऊ में बैठक की जगह को बदल दिया है। आपको बता दें कि अब मुमताज पीजी कॉलेज में बैठक हो रही है, जहां पर पहले नदवा कॉलेज में बैठक होनी थी, लेकिन एन वक्त पर जगह में बदलाव कर दिया है और अब बैठक से ठीक पहले जगह जिस तरह से बदली गई है उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। और बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां रिव्यू फाइल करने और 5 एकड़ जमीन को लेकर चर्चा होनी है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक जो शुरू होने वाली है, अब इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जगह में बदलाव किया गया है। तो मीटिंग शुरू होने से पहले जिस तरह से विवाद हुआ, कहा जा रहा है कि शायद उसी वजह से फिलहाल ये बदलाव जगह में किया गया है। देखिए, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान के वफादार भी हैं। कहीं वीर अब्दुल हमीद हैं तो कहीं अब्दुल कलाम भी हैं। हम अपने देश में हम अगर मुसलमान हैं तो बहुत कुछ है। कोर्ट का फैसला कि भी हमने सम्मान किया तो अब जो है अल्लाह के हुक्म का जो है वो फरमान है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। कोर्ट ने फैसला किया, हमने उसका सम्मान किया, इसलिए इस बात का हमें आज फैसला 10 दिन हो गया है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमने इससे पहले भी कहा था कि जो कोर्ट ने फैसला कर दिया हमने उसको मान लिया। अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई आगे चलकर करके के एक दूसरे की रोजी रोटी पे कोई सवाल का उठे, हम वो काम करना नहीं चाहते। देखिए, ये दो बातों पर हो रही है। पिछली मीटिंग जो हमारी कार्यकारिणी की हुई थी पर्सनल लॉ बोर्ड की 12 अक्टूबर को, उसमें तय पाया था कि अगर फैसला हमारे खिलाफ कुछ हो तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर तय करना होगा कि आइंदा क्या किया जाए, रिव्यू वगैरह पर गौर करना होगा। तो उसी लिहाज से ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि फैसले में ज़मीन दे दी गई है दूसरे फरीक को, तो इसलिए ये तय करना है कि क्या हमें इसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये मुद्दा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करने के मामले पर गौर किया जाए, और दूसरा मुद्दा ये होगा कि जो ज़मीन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑफ़र की है मुसलमानों को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को, तो वो ज़मीन एक्सेप्ट की जाए कि ना की जाए। क्योंकि ये ज़मीन एक्सेप्ट करने का मतलब होगा कि एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया ज़मीन का, और ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और वक्फ बैठ के भी ख़िलाफ़ है। तो दूसरा मुद्दा ये होगा। देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अंदरूनी मामला है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, तो बहरहाल सारे जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु थे, जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। लिहाजा अब इसके अंदर क्या तय होता है ये तो जब मीटिंग होगी तभी निकल के आएगा। देखिए, इसमें जाकिर नायक बनने की बात नहीं है। ये तो कहा गया असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ये दूसरे जाकिर नायक बनना चाह रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर आदमी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाता है तो क्या वो जाकिर नायक है? ये गलत है। लड़ाई थी मस्जिद की जगह पर मस्जिद मिले, जब मस्जिद की जगह पर हमें मस्जिद नहीं मिली तो फिर आप हमें 5 एकड़ ज़मीन काहे के लिए दे रहे हैं? मस्जिदें तो पूरे हिंदुस्तान में कदम कदम पर मस्जिदें हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मस्जिदें, शहर शहर मस्जिदें हैं। जब हमें मस्जिद की जगह पर मस्जिद नहीं मिली तो फिर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमान एक रहे, आपस में जो भाईचारा है वो कायम रहे, उसके लिए सबको मिलकर रहना चाहिए। नहीं, देखिए, मुल्क का माहौल बहुत ही साजगार है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सबको देखना चाहिए कि इतना बड़ा फैसला आया लेकिन उसके बावजूद भी आम शहरियों ने कितनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और कहीं पर भी कोई भी ना किसी ने खुशी का इजहार किया ना गम का इजहार किया। ये अपने आप में आवाम ने और आम जनता ने अपने लीडरान को ये मैसेज भेजा है, चाहे मजहबी लीडरान हो या सियासी लीडरान हो, कि आम जनता क्या चाहती है। इस वजह से हम समझते हैं अब इस किस्म के बेबुनियाद बयानों की कोई जगह नहीं है।